हम लोग इस वक्त विधानसभा खजनी में हैं और ये ब्लॉक पड़ता है बेलघाट। ए हेमंत सांप उपनयन हुई जैसे सांप फोई माल काट ले लोन पहुंचा दिया डॉक्टर ही ले हैं। और ये गांव है गणेशपुर, गणेश जी के नाम से इस गांव का नाम हुआ है। ये गणेशपुर गांव है और थोड़ा सा हमको इधर तो हमको ले के दिखाइए ताकि हमारी हमारे मुंह का एक्सप्रेशन भी लोगों को मिलना चाहिए। अवार्ड भी देंगे ना हम, हाँ देखिए अवार्ड मिलना चाहिए इस पर। हाई क्या है इसको क्या कहते हैं, क्या ये क्या बना है, शौचालय। और शौचालय देख रहे हैं ना, इतना बढ़िया शौचालय आपने शायद कहीं अमेरिका अमेरिका में देखा होगा। अमेरिका अमेरिका में ऐसा शौचालय मिलता है। और ये दरवाजा सीट सब दिखाइए भाई। अच्छा सीटिया एक क्या है, अब इधर लाइए इधर लाइए इधर लाइए। ए चचा ये आपका है शौचालय? अरे बड़ा आनंद आता होगा इसमें बैठते होंगे तो। आनंद आनंद बा, पानी लगल रहल है भांचूत और सीट उठ बाहर में है, देखी दरवाजा लगल है, छत में चक्की लगल है। यह कुल तो है, थोड़ा इधर यहाँ आग में खड़ा होके इसका ऊपर इधर आ जाओ। पैसा निकल चुका है? निकल ही गई होई जब भाई निकल गई तब बन इतना बनल बा। के बनवले रहल है वह प्रधान बनवले रहे इंदु प्रधान जी का देखल ही नहीं बाटी बबलू देखत रहनी आवत जात वह प्रधान प्रतिनिधि रहना है। हाँ हाँ मैंने वह बनवा दोनों तो हम ये कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जब बैठते होंगे बड़ा आनंद मिलता होगा। अरे हमें काव बैठब जब बटले नहीं बा काव बैठे नहीं हंसने वाली बात है भाई क्या क्यों करेगा तो ये बताइए वो अपन यादगार बना दे ले हमें ए चाचा। लेकिन देखाई है हमें आड़े नहीं बा हां जोन बात तो सामने ऐसी जगह पे डर नहीं लगता है ऐसे इतना खतरनाक जगह ही है बाबू डर काव लगी जब हमारे घर द्वार है ये जन्म में भाई बात तो कितना डर आप। अच्छा भाई आपका क्या नाम है? दयानंद यादव। तो आपका घर कहाँ पे है? नहीं हमारा घर उधर है, हमारा जो है कि लैट्रिन हमारा भी बोले प्रधान जी बनवा दे रहे हैं तो हमने बोला कि आप क्या बनवाएंगे और हमको जो पैसा मिल रहा है वो दे दीजिए और हम कुछ और मिला के अच्छा बना लेंगे। हम अच्छा बना लेंगे थोड़ा बढ़िया हो जाएगा ये, हम क्या करेंगे ले करके। तो उन्होंने हमारे बाबा का नाम परमेश्वर है उनके नाम से वो बोले 6,000 लीजिए और तब तक आप बनवाइए, जब बन जाएगा तो मैं पूरा पेमेंट कर देगा। हमने अपने पास से पूरा पैसा लगा के लैट्रिन बनवाया, उसमें कम से कम मेरा 1,00,000 रुपए खर्च आया। तो अच्छा एकदम बढ़िया बनवाया? हाँ पूरा बढ़िया बनवाया हमने। लेकिन 12,000 नहीं दिए? 12,000 मैं बोला जो आप देना दे दीजिए, मैं ज़्यादा पैसे लगा जो भी लगेगा हम अपने आप से अच्छा बनाएंगे उसको। उन्होंने मेरे को 6,000 रुपये दिया। उसके बाद हमारे चाचा का नाम है जोखन यादव, उनके नाम से उन्होंने दूसरा शौचालय निकाला लेकिन वो पैसा हमको नहीं दिए। यानी कि 12,000-18,000 गई? हाँ गया, हमको 6,000 मात्र वो दिए थे। हाँ चलिए तो ये तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान बीडीओ साहब जाना, सीडीओ साहब जाना और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी भी जाना, इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बाकी बसंतपुर पार्ट टू मुझे क्यों बनाना पड़ा, इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये अमेरिका जैसा शौचालय यहाँ पे बना है, जैसे अमेरिका पेरिस लंदन जापान में बनता है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद। ग्राम सभा में हम लोग आए हुए थे और ये गणेशपुर है जिसकी तमाम उपलब्धियाँ मैं आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से लगातार दिखाया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूदा प्रधान, ये अंतर बताना जरूरी है क्योंकि जितना भी आप देख रहे थे सुंदरीकरण और तमाम ये जो लंदन पेरिस का नज़ारा था, शौचालय अमेरिका वाला बना हुआ है, ये पूर्व प्रधान जो थे उनके कार्यकाल का है और ये अभी अभी जो पिछले अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ है उसमें नए प्रधान जी बने हैं। यानी कि जनता आज ही जा चुकी थी पिछले वाले प्रधान जी से तो इसलिए बदलाव हुआ इस बार। प्रधान जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। विजयनाथ दुबे। तो दुबे जी दर्द है अपने ग्राम सभा को लेकर? दर्द है, जरूर है, जरूर दर्द है, दर्द है। और बदलाव हो चुका है? लेकिन बदलाव भी हो चुका है, बदलाव होगा भी। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बदलाव हो चुका है प्रधान जी, एक बदलाव तो हो चुका है, मैं काम को लेकर भी बदलाव करूंगा। ये नाली हमको, मैंने आपको बता दिया ना कि एक साल बाद फिर पुनः देखने आइएगा। ए आज का तारीख क्या है, नोट कर लीजिए तारीख, 5 नवंबर को आइएगा। मैं 5 नवंबर को
आऊंगा और आप मुझे बुलाएंगे। मैं बुलाऊंगा, मैं तो आप पहले आपको बता दिया, आमंत्रित कर दिया हूँ, 5 नवंबर को फिर आइएगा। नहीं, आप उस समय भी मुझे एक बार फोन करेंगे, कहेंगे कि विकास बाबू आइए। ठीक है, ठीक है। और चाय भी मैं आपकी पैसे का, चाय तो आज पिलाऊंगा लेकिन उस वक्त फिर बुलाऊंगा। चाय पिलाएंगे ना? बिल्कुल, चाय आज भी पिलाऊंगा, चाय तभी पिलाऊंगा और फिर 5 नंबर का देख लीजिएगा आके। चाय मैं तभी पीऊंगा, आज नहीं पीऊंगा। सुन लीजिए, मेरे जहन में गणेशपुर को ऐसा बनाना लिखा है, मैं बना के जाऊंगा कि फिर आने वाला कोई भी आदमी फिर उससे आगे कुछ करने के लायक रह ना जाए। मैं एक बार सोच लिया हूँ, गणेशपुर को ऐसा बना दूंगा कि जरूरत न पड़ जाए फिर गणेशपुर को काम करने की। प्रधान जी, मैं अभी तो, और सुनिए, मैं वादा करने वाला प्रधान नहीं हूँ, मैंने बता दिया पहले कि वादा करके किसी से नहीं चुनाव जीता हूँ कि भाई हम हाई बनवा दे हाउ बनवा दे। चुनाव जीता हूँ, काम करने का मौका दीजिए। 4 महीना कटा है, 4 महीने जो मैंने काम किया, चल कुछ को देख लीजिए आप लोग। नहीं, आप इकट्ठे अब हमको साल भर बाद आप बुलाइए, हमारे साथ गाड़ी बैठिए। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी बात सुन लीजिए प्रधान जी। मैं यहाँ पे आज आया हूँ, आपने कहा कि 5 नवंबर को अगले साल मैं आपको बुलाऊंगा, मैं तभी आऊंगा और इसी रास्ते मैं सबको देखूंगा। नहीं, कहाँ जाना आपको? मैं तो निकलूंगा, तो जो मैंने काम किया है चार महीने, अभी मत दिखाइए ना, तो इधर से देखिए, अभी मत दिखाइए, अभी इसलिए मत दिखाइए क्योंकि अभी इस गांव को देख के बहुत दर्द है मेरे अंदर। तो मेरा देश है ना, मेरा देश है, दर्द है, नहीं खत्म नहीं हो पाएगा तुरंत जो है। नहीं तो साल भर बाद मैं इकट्ठे, जब तक ये लोग दुख, मेरी बात सुनिए, मैं वो, मेरी बात सुन लीजिए प्रधान जी, वहाँ पे मैं जाऊंगा आपके अच्छे कामों को देख कर थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा। मेरी बात सुन लीजिए, चुनाव जब जीता था जी, चुनाव जीतने के बाद 2-3 महीने के बाद सारे अधिकारियों कर्मचारियों के रास्ते कई बार बरसात में लेके गया था, ऐसा नहीं था खाली था। जब मैं लेके आता था विद्यालय पर, तो एडीओ पंचायत, बीडीओ, सेक्रेटरी, ये सारे लोग किसी रास्ते से लेके जाता था बारिश में कि आप जरा शासक को देख लीजिए लोग कैसे जीते हैं यहाँ पे, ताकि उनके दिमाग में बात रहे कि कितना गंदा रास्ता है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो दुबे जी से हम लोग अगले साल 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2022 को मिलेंगे और दुबे जी ने वादा किया मेरे कैमरे के सामने कि इस गांव की जो समस्याएं हैं सभी समस्याओं को ये खत्म कर देंगे, कम से कम नाली बनवा देंगे जो कि अंडरग्राउंड होना चाहिए था और इस नाली पे 2-2 बार पैसा निकाला गया है, इस RCC क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग यहाँ पे होना चाहिए था, इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है, इसको सही करवाएंगे और जितने लोगों के पास शौचालय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये योजना मानी जाती है, हर घर में शौचालय हो, लोग खुले में शौच में ना जाएं, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा गांव खुले में शौचालय मुक्त बने, ये वादा प्रधान जी ने कैमरे में किया है और उम्मीद है कि 5 नवंबर 2022 तक प्रधान जी मुझे यहाँ पे दोबारा चाय पे आमंत्रित करेंगे और अपने गांव की दशा को दिखाएंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं सोनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत TV देख रहे हैं। धन्यवाद।